नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय गौ माता। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन ये हमारे अगले साल इसका जन्म हुआ था, जो कि जमुना का बछड़ा है और उसके फादर हैं कुबेर, जो कि आज हम तीनों को साथ में लाए हुए हैं और सबको लाइव दिखाना जाता है कि आज इनका हमारे जो धर्मेंद्र हैं, जो बुल जो पूरे दिन का 35 लीटर दूध पी जाता है, उसका जन्मदिवस है। आज एक साल का ये पूरा हो गया है। और ये हैं कुबेर, जो हम इसको भीला भी बुलाते हैं, और ये है उसके फादर, जो मतलब बहुत ही अच्छा और शानदार बुल है। और इसकी जो 100% गिर में बोलते हैं, जिसका सर, जिसके कान, जिसकी आँख के जो शेप, जिसकी जो लेंथ, ये 100% जो प्योर गिर में जो टकावारी होती है, ये है वो है। और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई बुल होगा ऐसा जो कि भावनगर है, भुवनेश्वरी ऐसे, लेकिन ये लाल में और इतनी अच्छी जो उसके फेस कट हैं, इतना अच्छा जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा और शानदार बुल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और ये उसका ही आप देख सकते हो, जो एक साल का मतलब हो गया आज, जिसका जन्मदिवस है। तो हमने काफ़ी सारी तैयारियां की हैं और हमने एक नई गाय भी मंगवाई है जो बहुत अच्छी है। और आज धनतेरस के दिन हम गाय भी खरीदी करते हैं, इस हिसाब से हमने आज बहुत अच्छी एक गाय मंगाई। और ये है उसकी मदर, जिसका नाम है जमुना, जिसका नाम है जमुना, जो एक टाइम का 16 लीटर 300 ग्राम मिल्क देती है, जिसका पूरा दिन का 32.5 किलो दूध हमने हाथों से धोया हुआ है और उसका वेट किया हुआ है, और अभी भी इसका 5-5 किलो दोनों टाइम मिल्क आ रहा है ये जमुना का, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये है उसका बछड़ा दमा, जो अभी भी दूध पी जाता है पूरा, और बहुत ही अच्छी और शानदार जो गाय है। और अभी इसके 2 ही थन चालू है, और फिर भी 2 थन में भी ये 12.5 किलो एक टाइम का दूध देती है। ये हमारी जो गौशाला का नाम हमने इस गाय पे ही रखा है, जिसका नाम है जमुना। ये 11वें वेतर पे ये जमुना है, जिसने ये दमा को जन्म दिया था, जिसका बछड़ा है, जिसको 11 बार मतलब बछड़ी आई हुई है, इसका ना ही कोई बछड़ा नहीं आया था। तो अगले साल धनवंती के दिन, धनतेरस के दिन ही ये बछड़ा आया था, जो कि आज एक साल इसका पूरा हो गया है। और काफ़ी सारे रिजल्ट हैं कुबेर के, और हम सूरत में किसी को मना नहीं करते, कोई भी क्रॉस करवा जा सकता है, कोई भी किसान हो, छोटा आदमी हो, जो भी अच्छी गाय रखता हो फार्म शिप पे, कोई भी हो, सब आके क्रॉस करवा जाता है। कम से कम ये 3 महीने के अंदर अंदर कुबेर से 50 से 60 गाय क्रॉस हुई होगी ये 3 महीने के अंदर अंदर, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और हमारे एक फ्रेंड है कपिल भाई, जो कि भावनगर में बहुत ही अच्छे ब्रीडर हैं, जिनके वो ये बुल ले गए थे, उनके पास भी बहुत काफ़ी सारी अच्छी बछड़ी आई है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं जिनकी सब गायों में। लोग हमें ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई आपने इसको इस तरह से क्या खिलाया और इतना अच्छा ग्रोथ क्यों आ गया एक साल के अंदर, जो कि 2 साल में इतना ग्रोथ होना चाहिए, जो कि 1 साल में हो गया इतना ग्रोथ। और इसको हमने पूरा उसकी मदर का दूध ही पिलाया, और हम दूसरी 2-3 गाय का भी इसको दूध पिलाते थे, जो कि अभी तो उसको दूध नहीं पिलाते, अभी उसका दूध पूरा निकाल देते, उसकी मदर का ही दूध पीता है। बाकी 2-3 गाय का दूध निकाल के हम एक टोपले में डाल देते, बाल्टी में लेके, और उसको रख देते सामने तो पी जाता है। और काफ़ी सारे लोग को ऐसा कहा है सबने कि हमें ये सेल के लिए दो, हमारे सूरत में भी इसको 8 से 11 लाख तक बीच में मांगा था, लेकिन ये हमें सेल नहीं करना, इसका हमें रिजल्ट लेना है, ताकि हमारे कुबेर के बाद हमारे ये जमुना है, जो कि हमने पहले भी बताया था कि 11 बार बच्ची दी हुई है, जो बछड़ी आई है बराबर फीमेल आई हुई है, अभी मेल आया हुआ है, तो इस वजह से इसको हमें रखना है और इसका हमें रिजल्ट देखना है। और ऐसा भी नहीं है, कोई भी आदमी अगर हमारे पास चालू हो जाए, अगर कोई भी किसान या कोई भी छोटा आदमी हो जो गाय रखता हो, जो क्रॉस करवाने जब चालू हो जाए तब आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को हम मना नहीं करते हैं। और ये सब लोग जो बोल रहे हैं कि हम अमूल का दूध पाए या सुमूल का, अमूल या सुमूल का दूध पिलाने से किसी का ग्रोथ नहीं बनता है, ना ही तो हम इंसान का भी नहीं बनता है, और ना ही ये बछड़े की बात तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए प्लीज़ ऐसी हमें बात वाहियात बातें मत करिए आप हमें बोल के कि भाई आप हम अमूल सुमूल का दूध पिलाएंगे तो हमारे बच्चे का इतना ग्रोथ होगा, कभी नहीं होगा। हम उसको ओनली गाय का ही दूध पिलाते हैं, जो कि हमारे पास जो गिर नस्ल की गाय है उसका और उसकी मदर का दूध पिलाते हैं, और तभी जाके इसको इतना ग्रोथ आया, और पूरे दिन का अभी भी 35 किलो दूध पी जाता है।